भारत में एक ऐसा मंदिर है जो हजार साल पुराना है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कहते हैं कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर को भूतों ने एक ही रात में बना दिया। आखिर इस मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताने वाले हैं और आप यह जानकर चौंक जाइएगा कि इस मंदिर को बनाने में ना तो ईंट लगा है और ना ही सीमेंट बालू छड़ कुछ भी नहीं लगा है, फिर भी यह मंदिर बना हुआ है और हजारों सालों से बना हुआ है। आज हम आपको इस मंदिर के इतिहास के पन्ने पलटने वाले हैं और यह वीडियो काफी दिलचस्प है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हम जिस मंदिर की बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया कस्बे में स्थित है। इस मंदिर को आप सिहोनिया से करीब 2 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मंदिर जमीन से लगभग 115 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर थोड़ा खंडहर की अवस्था में है और मंदिर में घुसते ही जमीन पर मंदिर के टूटे अवशेष नजर आने लगेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का ये मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में जाने के लिए आपको थोड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, इसके बाद ही शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में जाने से पहले दोनों तरफ कई खंभे दिख जाएंगे। यहाँ हर कोई सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं और ये मंदिर को देखने के लिए आते हैं। इस मंदिर को कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि रानी ककनावती महादेव की बड़ी भक्त थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम रानी के नाम पर रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि मौसम की वजह से यहाँ स्थित कई छोटे छोटे नष्ट हो चुके हैं और इस मंदिर से एक दिलचस्प बात भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने एक साथ मिलकर किया था, लेकिन मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई और निर्माण को फिर बीच में ही छोड़ना पड़ गया। इस मंदिर को भूतों का भी मंदिर कहते हैं। इस मंदिर को आप देखेंगे तो आपको ये देखने में अधूरा ही लगेगा। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है इससे जुड़े किसी भी तरह के सटीक प्रमाण नहीं है। क्या आपने इस मंदिर को देखे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।